हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने फ़ोन को ही आप अपना स्पाई कैमरा कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, स्पाई कैमरा का मतलब होता है, जैसे कि आप देखे होंगे फिल्म में या फिर कहीं वीडियो में, कि जैसे शर्ट के बटन जो होता है वहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है, वहाँ से सब कुछ रिकॉर्ड होता है, या फिर पेन के अंदर में कैमरा लगा हुआ होता है, जैसे लिखने वाला जो पेन होता है उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पाई कैमरा। दोस्तों, स्पाई कैमरा एकदम छोटा सा होता है, उसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, कहीं पर भी फिट करके। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन को ही आप अपना स्पाई कैमरा बना सकते हैं, मतलब कि कहीं पर आप अपना फ़ोन लेकर जाकर अगर वीडियो शूट भी करते हो तो किसी को नहीं पता चलेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इतना बड़ा फ़ोन अगर ले कर हम कहीं पर जाते हैं, इतना बड़ा फ़ोन अगर ले करके और वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसको समझ तो आएगा ही। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जैसे फ़ोन का स्क्रीन लॉक रहेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके कोई सा भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक, मतलब मोबाइल अगर लगेगा कि स्विच ऑफ है या फिर मोबाइल स्क्रीन लॉक है, लेकिन वो वीडियो अंदर से रिकॉर्ड होते रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेब में डाल के स्क्रीन बाहर तरफ दिखना चाहिए दोस्तों, ताकि सामने वाले बंदे को भी ना लगे कि अगर हम ऐसा करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं तो उसको लगेगा कि भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन हम स्क्रीन फ्रंट पे रखते हैं तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा से उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी फ़ोन में हम बताएंगे कि आप अपने फ़ोन को स्पाई कैमरा कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, ये सिर्फ है अपनी सेफ्टी के लिए, इसको आप बिल्कुल सही जगह पर यूज़ कीजिएगा इस कैमरे को। जैसे कि अगर आपके साथ कहीं फ्रॉड हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तभी आप इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसको हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप इस चीज़ को गलत जगह पे यूज़ कीजिए, तो ध्यान में रहे आप इसको सही जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने फ़ोन को आप अपना स्पाई कैमरा कैसे बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो ये फ़ोन को हम अपना स्पाई कैमरा बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है रियलमी 2 फ़ोन, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्पाई कैमरा कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है ईजी वीडियो रिकॉर्डर। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है, ईजी वीडियो रिकॉर्डर। जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर दो तरह का आइकन यहाँ पर दिखेगा। पहला वाला आइकन जो है, इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए है। दूसरा आइकन है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। तो पहले हम चलिए सेटिंग्स में आके यहाँ पे देखते हैं कि हमें फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना है या फिर बैक कैमरा से रिकॉर्ड करना है। और आप इसको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल दिया गया है, जैसे कि हम कहाँ पर सेट करना चाहते हैं, जैसे फाइल जो भी है, डेटा जो वीडियो रिकॉर्ड होगा उसको हम फाइल मैनेजर में कहाँ पर रखेंगे, या फिर वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करना चाहते हैं या फिर बैक कैमरा से, यह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 30 मिनट तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे टाइम सेट कर भी कर सकते हैं, ज़्यादा या कम भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सेव टू गूगल ड्राइव, मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड कंप्लीट होगा और फ़ोन में आपका वाईफाई या फिर डेटा होगा तो ये तुरंत उसको गूगल ड्राइव में सेव कर देगा, ठीक है। फिर दोस्तों, यहाँ पे हम डिलीट लोकल फाइल, जब से हम कोई वीडियो शूट किए हैं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। पासवर्ड सेफ्टी के लिए लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों, तो हमने सेफ्टी के लिए पासवर्ड भी लगाया हुआ है, ताकि अगर हम पहले हम ये बता दें दोस्तों, अगर हम इस फाइल से जो भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इस एप्लीकेशन को, वो MX प्लेयर या फिर फाइल मैनेजर में आप कहीं पर भी ढूंढ लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे पासवर्ड भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि वीडियो इस एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपको ये पासवर्ड दिया जाए, ताकि ये बंदा कोई और भी इस एप्लीकेशन का यूज़ न कर पाए आपके फ़ोन। वाइब्रेट व्हेन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो हमारा ये फ़ोन एक बार वाइब्रेट हो जाएगा, ताकि हमको भी समझ में आ जाएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। यहाँ पे वाइब्रेट व्हेन स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे ही हम वीडियो को स्टॉप करते हैं तो फिर एक बार हमारा फ़ोन वाइब्रेट होता है। यहाँ पे फाइल नेम हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या हमको फाइल नेम चाहिए। यहाँ पे शो टाइमर भी दिखा सकते हैं, मतलब वहाँ पे डिस्प्ले पे टाइम दिखते रहेगा, मतलब कि हिडन टाइम, वो आपको डिस्प्ले के बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम फ्रंट कैमरा से करना चाहते हैं या फिर बैक कैमरा से, तो बेहतर यही होगा कि आप फ्रंट कैमरा से ज़्यादा शूट कीजिए वीडियो,
और यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी दोस्तों बहुत सारा है, जैसे आप यहाँ पे हम HD क्वालिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर सबसे लो क्वालिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी फाइल और अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए दोस्तों आप 480p पे रखोगे तो आप ज़्यादा स्टोर भी ज़्यादा MB का भी वीडियो नहीं होगा और वीडियो भी पूरे अच्छे तरह से रिकॉर्ड भी हो जाएगी। और यहाँ पे ऑडियो भी रिकॉर्ड करने के लिए है। फ्लैश हमेशा ऑफ रहता है दोस्तों, अगर हम बैक कैमरा ऑन करते हैं तो फ्लैश ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको स्पाई कैमरा के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो फ्लैश ऑफ करके ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जूम ऑफ कर लेते हैं दोस्तों। एक्टिवेट द वॉल्यूम की, दोस्तों यहाँ पे एक खास बात मिलता है दोस्तों, अगर हम इस यहाँ पे वॉल्यूम वाला बटन दबाते हैं, फ़ोन का वॉल्यूम वाला बटन, तो ये कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, चालू भी हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारा और भी फैसिलिटी दिया गया है, आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो चलिए दोस्तों अब हम टेस्ट कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद ही मुझे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, तो चलिए अब हम इसको लॉक कर देते हैं। फ़ोन ये लॉक हो गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन लॉक हो गया, मैंने फ़ोन को यहाँ पे रख दिया, जैसे ही फ़ोन लॉक हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये डिस्प्ले पे कोई लाइट भी नहीं जल रहा है। चलिए अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, वॉल्यूम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं, ये पहले मोबाइल लॉक, अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड अपना डाल देते हैं इसको ओपन करने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट 2021 यहाँ पे अभी मैंने वीडियो शूट किया है। चलिए अब हम इसको प्ले करते हैं इस वीडियो को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों मैंने फ़ोन लॉक करके रखा हुआ था और ये वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुका है। सो फाइनली फ्रेंड्स ये था सक्सेसफुल वीडियो। तो आप बताइए ये वीडियो आपको लगा कैसा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।